किसानों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ कांग्रेस उतरी सड़कों पर। जी हां, हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी में कांग्रेसियों ने सौंपा ज्ञापन की मांग। हरियाणा पंजाब सहित देश के हर जगहों पर किसानों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ किसानों के सड़क पर उतरने के बाद सरकार के ढुलमुल रवैये व किसानों की मांगों को न मानने के बाद आज वाराणसी में कांग्रेस के पदाधिकारियों ने धरना प्रदर्शन किया। वहीं सरकार विरोधी नारे भी लगाए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि यह सरकार किसानों के हित में नहीं, किसानों के विरोध में कार्य कर रही है। यह सरकार केवल किसानों को चुनाव के समय ही याद करती है। यह किसान हितैषी नहीं, किसान विरोधी है। देखें पूरी रिपोर्ट। मैं राजेश्वर सिंह पटेल, जिला अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी वाराणसी। आज जो किसानों के साथ जो अन्याय हो रहा है, जो माननीय मोदी जी द्वारा, वर्तमान सरकार द्वारा जो तीन काले कानून बनाए गए हैं, इसके संबंध में कई दो तीन महीने से प्रकरण चल रहा है, अभी तक कोई सुनवाई नहीं। और जो किसानों के साथ दिल्ली बॉर्डर पर जो अन्याय हुआ किसानों के साथ, उसके विरोध में हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय हिदायत कुमार जी दलवीर जी के आदेश पर उत्तर जन उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में धरना प्रदर्शन करते हुए माननीय राज्यपाल जी को माननीय डीएम महोदय के माध्यम से ज्ञापन सौंपने का काम किया जाए। अगर भारतीय जनता पार्टी अपनी मांग नहीं मानती सरकार, तो उसके खिलाफ क्या करेंगे? जो हमारी पार्टी का हाईकमान का निर्देश होगा, उस निर्देशों का अनुसार हम लोग करेंगे।